के साथ साथ बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं। थैंक यू वेरी मच। और जहां महकमे में मसाइल हैं, अवाम को भी मसाइल हैं, सब अपनी दादरसी के लिए थाने में आते हैं, आप उनके मसाइल भी हल कर रहे हैं और एक बीवी नहीं संभाली जाती, आप तो दो दो बीवियां इर्द गिर्द लेकर बैठे हुए हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो तीसरी चौथी भी करने के लिए तैयार है। नहीं, उनका भी जानते हैं। नहीं जी, अस्तगफिरुल्ला, दो पे ही ब्रेक है तो बस जी, जो नसीब में हो वो तो होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत खुश है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से ईद की खुशियां भी हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आप भी कुछ समझे। माजी साहब से पूछ रहे कि ये जो माइक मेरे हाथ में, इसके डर से तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बहुत खुश हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पता बात होती है कि वो एक के बाद आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए दो के बाद ही? नहीं, मैं तो दो पे रुक गया हूँ। आप माशाल्लाह, चूंकि मुझे जॉब के मसाइल हैं, दूसरे मसले मसाइल काफी हैं, आप माशाल्लाह एक जर्नलिस्ट है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं नहीं, हमें तो माफी दे दें। अच्छा जी, ईद का रोज और खाने में मीठा तो बना होगा? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बीवियों में से किसका बना खाया? अभी खाना है जी, अभी खाया नहीं है, चूंकि अभी इस घर में है, इस घर में भी इसके हाथ का बना हुआ है। ठीक है, उधर जाएंगे, वहाँ इसके हाथ का बना होगा। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं पहली बीवी के घर। जी जी जी। अभी हम मैडम नरगिस के घर भी जाएंगे, आप साथ जाएंगे। जी। तो मीठे में बना क्या वैसे? मीठे में सेवैया बनी है। मीठे में सेवैया बनी है, आपने खुद बनाई है? जी जी, मैंने खुद बनाई है। तो इनकी ये फेवरेट डिश है सेवैया में, स्वीट में? हाँ जी बिल्कुल, शौक से खाते सब। ईद का, ईद पे होती है सेवैया और ये शौक से खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अभी तक खाया नहीं, लगता मजे का नहीं बना। नहीं, आपका इंतजार था कि आप आएंगे तो आपके साथ मंगवाए ना, साथ हम खाते भी हैं। जी बिल्कुल खाते हैं। ईद मिली आपको? जी जी बिल्कुल। कितनी मिली ईद? बहुत सारी मिली है, ड्रेस मिला है और मतलब ईद का जो चीजें होती हैं, ड्रेस, शूज, जितनी भी, और उसके अलावा ये तो कैश भी है ना, कैश में क्या मिला? हाँ जी, गिफ्ट क्या मिला वो बताएं। कैश मिला। कैश बताएं। अच्छा बताना जरूरी है, बस मिला है कैश। एसएचओ साहब ने कितना कैश दिया आपको? इस तरह औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए ना, इस तरह औरत से ये भी नहीं पूछना चाहिए कि उसके हस्बैंड ने उसको ईदी कितनी दी या पॉकेट मनी कितनी दी। आपको लगता है बिल्कुल नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद में एक खूबी है, दोनों बीवियों को बराबर रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर उनको 10,000 मिलेगा तो मुझे भी 10,000 ही मिलेगा, और अगर उनको 20 मिलेगा तो मुझे भी 20 ही मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये पैसे जो है वो करोड़ों से कम नहीं है, क्योंकि मर्द की कमाई में अल्लाह की जात में बरकत है। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुश रखा हुआ है दोनों को, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह, आप खुश ही रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नहीं नहीं, मैं नजर उतारने आया हूँ। ईद मांगनी पड़ती है वैसे, चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले या कुछ भी? आप नहीं मांगनी, नहीं कभी कभी भी नहीं मांगनी, कभी नहीं मांगनी पड़ी। और हमेशा इस तरह हुआ है कि छीननी पड़ी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पर्चा दे देते हैं फिर जब कोई स्नैचिंग हो रही है आपके साथ। जरूरत होती, पता होता है कि इस चीज की जरूरत है तो वो कोशिश होती है कि इनके क्या आपने दो पोके लगाई होंगी? जी बिल्कुल, इधर 10,000। जी बिल्कुल, दो अभी देना है, मैं देख इनको दे चुका हूं मैं। कभी भी कोई चीज इनको बतानी नहीं पड़ी, ये तो ऐसे है माशाल्लाह, इतना काम करने के बावजूद इनको ये भी पता होता है कि किचन में किस चीज की कमी है इस वक्त, इनको सारा पता है माशाल्लाह, और दोनों घरों का। तो ईद का सामान सर आप खुद लेकर आए? नहीं जी, खुद लाने का तो टाइम नहीं होता, अपने कपड़े भी लाने का, मेरा छोटा भाई है वही सारा मैनेज करता, तो उसकी मेहरबानी है, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालता, और जो सारे मेरे मसले इजाफी चार्ज है उनके पास, इनकी तो दो मेहमान।